आरोग्य जागृति। आज हम आरोग्य जागृति की टीम जो आई है बाबा पेट्रोल पंप, यहाँ पे ऐसे शख्सियत से हम बात करेंगे जो ऑर्थोपेडिक में कम उम्र में और बहुत जल्दी ही अपना नाम पूरे मराठवाड़ा में किया है। डॉक्टर केतन वेखंडे सर से, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है और उनकी सुपर स्पेशलिटी जो नी के ऊपर काम करते हैं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर काम करते हैं, आज उन्हीं से जानेंगे क्या जो ऑर्थोपेडिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो दिनचर्या है, उनकी जो आज यहाँ तक उनका सफर रहा है, उसी के ऊपर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज ऑर्थोपेडिक जो दिन ब दिन अपना ये बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर अभी अपने यहाँ पे जो क्या नाम से स्टार्ट किया है और आपका प्रयास कैसा रहा है, प्रवास कैसा रहा है, इसके ऊपर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर केतन वेखंडे, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरा जो MBBS का शिक्षण है वो नागपुर से, और वैसे ही जो ऑर्थोपेडिक्स का शिक्षण है वो बैंगलोर से हुआ है। उसके बाद मेरा जो हायर एजुकेशन है, मेरा स्पेशलिटी जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन और आर्थ्रोस्कोपी, जो दूरबीन के द्वारा घुटने और कंधे में की जाने वाली शस्त्रक्रिया है, उसका एजुकेशन मेरा थम्मासाट यूनिवर्सिटी थाईलैंड यहाँ से हुआ है। उसके बाद मैं करीबन 5 साल तक पूना में कार्यरत था, जैसे कि दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और YCM हॉस्पिटल पिंपरी। और अभी मैं अपने मराठवाड़ा और औरंगाबाद की जनता के लिए औरंगाबाद में अपना स्वस्तिक ऑर्थोपेडिक हेल्थ केयर के नाम से हॉस्पिटल मैंने 2022 के शुभ मुहूर्त पे शुरू किया है। यहाँ अपने हॉस्पिटल में सभी बेसिक सुविधा अपने पेशेंट के लिए हमने एक कम खर्चे में, जो पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसे हमने प्रयास किया है। और यहाँ पे अपने यहाँ पे डिजिटल एक्सरेस, पूरा वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, सियाम फैसिलिटी, पैथोलॉजी लैब और सभी जो बेसिक सर्विसेज पेशेंट्स को लगते हैं वो सभी हमने पेशेंट्स को उपलब्ध कराए हैं। सर, स्वास्तिक हॉस्पिटल के क्या नाम से आपने जो स्टार्ट किया है इस नाम से, तो इस स्वास्तिक का मतलब क्या है और लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। स्वस्तिक एक हमने जो सोच रखी थी कि पेशेंट्स को याद रखने के लिए एक हिंदी और मराठी नाम जो पेशेंट इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, और अपनी मराठवाड़ा वाली जो जनता है, औरंगाबाद और मराठवाड़ा की जनता, वो इजीली इसको ग्रास्प करके इजीली अपने को याद रख सकती है, इस हिसाब से हमने ये हॉस्पिटल का नाम सोचा है। और ये एक भगवान से रिलेशन में भी एक नाम है। सर, अच्छा, आप बिलीव करते हैं भगवान पे, बहुत अच्छी बात है। सर, अभी ऑर्थोपेडिक्स के दिन से दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जैसा आपने बताया कि आर्थोस्कोपी आपका स्पेशलाइजेशन है, तो सर ये आर्थोस्कोपी के बारे में लोगों को अभी काफी जानकारी नहीं होने से अगर बताया गया कि घुटने का ऑपरेशन बताया तो वो डर जाते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, तो सर इसके बारे में जानकारी। नी आर्थ्रोस्कोपी मीन्स ये दूरबीन से की जाने वाली एक बहुत कठिन शस्त्रक्रिया होती है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है, जो नॉर्मल जनरल ऑर्थोपेडिक्स में इसका इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। इस शस्त्रक्रिया में किए जाने वाले ऑपरेशन, जैसे कोई लिगामेंट की इंजुरीज होती है या घुटने में जो गद्दी रहती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसके द्वारा, दूरबीन के द्वारा हम इसकी शस्त्रक्रिया कर सकते हैं, जो कम से कम टाँकों में होती है। खून का बहाव जिसमें बहुत कम होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, और इसके लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। ये यूजुअली स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजुरीज होती है, फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, लेकिन अपने इंडिया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी ये बहुत कॉमन है। तो जैसे नी के जो लिगामेंट्स होते हैं ACL PCL MCL, ये अगर इसको अगर इंजुरी होती है तो पेशेंट्स को चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट्स को ऐसा लगता है उनका बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो स्पोर्ट्स वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और अगर इसमें हम अगर घुटने के इंजुरी पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत जल्द इसमें घुटने का जो कार्टिलेज है वो खिसना शुरू हो जाता है, और ये जो डैमेज होता है ये परमानेंट हो जाता है। तो इसके बाद हमें
नी आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरी ज्यादा काम में नहीं आती है और बाद में नी रिप्लेसमेंट की तरफ अपने को सोचना पड़ता है। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि नी लिगामेंट इंजरीज को आप निग्लेक्ट ना करें और इसके ऊपर शस्त्रक्रिया जरूर लें और अपने घुटने को तंदुरुस्त रखें। देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे हमें जानकारी दिए है। डॉक्टर साहब, अभी नी के पेशेंट काफी बढ़ रहे हैं और जैसा आपने बताया कि स्पोर्ट्स में भी स्पेशली जैसा भी इंजरी होती है, जो बैक में हुआ है बार बार पीछे हो चुका है लेकिन अभी समझ में नहीं आया और अभी भी लोग उसको नी पेन बोल के यूज करते हैं। अगर दर्शकों बताइए सर, अगर इसको अगर अपन ने वक्त पे इलाज नहीं किया या कुछ सिम्टम्स कैसे रहते हैं? नी लिगामेंट की जो सिम्टम्स रहते हैं, यूजुअली इमिडिएटली नी इंजरी होने के बाद घुटने में सूजन आ जाती है, काफी पेन होता है, लेकिन कुछ 3-4 दिनों बाद सूजन कम होने के बाद टैबलेट्स लेने के बाद पेशेंट्स एक्चुअली चल पाते हैं। लेकिन पेशेंट्स अगर फास्ट चलने लग जाए या फिर स्टेयर्स चढ़ना उतरना शुरू करे तो उनको इम्बैलेंस महसूस होता है घुटने में, तो ये नी लिगामेंट का इम्बैलेंस होता है लिगामेंट इंजुरी की वजह से। इसको अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो इसका परिणाम होता है मेनिस्कस के ऊपर, जो दो हड्डियों के बीच में होता है और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है, तो फिर बाद में नी का मेनिस्कस जो है वो फटना शुरू हो जाता है। और ये जो नी का मेनिस्कस होता है ये एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है कार्टिलेज के लिए, और इसको अगर हम एड्रेस नहीं करते हैं तो फिर कार्टिलेज भी खिसना शुरू हो जाता है, जिसका अभी तक ऑर्थोपेडिक साइंस में इलाज नहीं है और आगे बढ़कर ये नी आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत जल्द होना शुरू हो जाता है और बाद में हमें नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होता है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या ऑपरेशन बताएं तो काफी उनको हैबत हो जाती है, डर लगता है कि ऑपरेशन करने बाद अपना पूरा करियर खराब होगा। अब हमारे दर्शकों में ऐसा दिन ब दिन उसको बढ़ाते जाते हैं, तो ऑपरेशन से ही ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर कुछ अलग ट्रीटमेंट है? नहीं, सभी पेशेंट्स को ACL इंजरी के लिए ऑपरेशन ही लगता है, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट चाहता है, क्या मर्जी है कि मैं अगर स्पोर्ट्स छोड़ दूं या फिर वो अच्छा रिहैब या फिजियोथेरेपी करते हैं, तो इन केसेस में ऑपरेशन को अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर पेशेंट चाहते हैं कि नहीं, मैं मुझे अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना है, मुझे भाग दौड़ करनी है, तो इस कंडीशन में ऑपरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो ऑपरेशन से घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसमें काफी चीरफाड़ करने वाली जरूरत होती नहीं है, सिर्फ 2-3 टाके होते हैं जहां से हम दूरबीन डाल के अंदर की शस्त्रक्रिया पूरी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें पेशेंट्स को डरने के लिए ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफी हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी है और आपने सबसे खास बात जो ओपनिंग किया है अपने फादर के हाथ से, हर माँ बाप को एक सपना रहता है कि मैं मेरे बेटे का दवाखाना ओपन करूं, तो आपने डॉक्टर प्रणीतकर सर के हाथ से मतलब इनॉग्रेशन किया है, आपके पापा के हाथ से भी आपने किया, तो आपके पापा के दिल में भी काफी बड़प्पन आ चुका होगा, उनकी भी छाती फुल गई होगी कि मेरे बेटे का ओपनिंग मैंने मेरे हाथ से किया है। दर्शकों, स्वास्तिक इस नाम से ऑर्थोपेडिक क्लिनिक जो है बाबा पेट्रोल पंप डॉक्टर प्रणीतकर हॉस्पिटल में काफी वेल इक्विपमेंट के साथ में यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी ऑर्थोपेडिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो, सभी तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं और डॉक्टर साहब का बताया गया ऑर्थोस्कोपी स्पेशलिटी इनका स्पेशलाइजेशन है, तो इनके बारे में आपने आप जाना है, इसी के ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में स्पेशली नी के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।